इस भयंकर गर्मी में आप इस शरबत को जरूर बनाइए, बनाना बहुत आसान है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कच्चे आम का शरबत। आप इसे स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं 7 से 8 दिन तक, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। मैंने 2 कच्चे आम ले लिया है और इसे अभी छील रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम इन्हें डालेंगे एक प्रेशर कुकर में। आप इसे कढ़ाई में भी कुक कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का। वन फोर्थ चम्मच लेंगे काली मिर्च। अभी हम डालेंगे इसमें पानी। ढक्कन बंद करके हम 2 सीटी आने तक कुक करेंगे। कुकर का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद हम इसे खोलेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम डालेंगे इसमें मिक्सचर जार में। पुदीने की पत्ते डालेंगे 1 मुट्ठी जितना। चीनी 1 कटोरी भर के डालेंगे। रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इस मिक्सचर को हम डालेंगे एक बाउल में। आप इस मिक्सचर को रख सकते हैं फ्रिज में 7 से 8 दिन तक, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। चलिए अभी शरबत बनाते हैं। आप इस मिक्सचर से 4 से 5 स्पून ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे अभी पानी। इसमें चीनी वगैरह डालने की कुछ ज़रूरत नहीं, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। अभी हमारा आम पन्ना बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा पुदीने के पत्ते से मैं गार्निश कर रही हूँ। इस गर्मी में ज़रूर इसे बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।